भारत के एक प्रसिद्ध सन्यासी यूरोप के दौरान फ्रांस में थे। वहां उनकी मेजबान महिला ने उन्हें देश में भ्रमण कराने के लिए एक फीटन घोड़ा गाड़ी किराए पर ली और दोनों पेरिस से बाहर एक गांव की ओर बढ़ने लगे। मार्ग में कुचवान ने फीटन एक जगह रोकी और नीचे उतरा। मेजबान महिला ने देखा कि एक आया कुछ बच्चों को ले जा रही थी। वे बच्चे रईस घराने के लग रहे थे। कोचवान ने जाकर उन बच्चों को लार दुलार दिया और बातें कर वापस आ गया। मेजबान महिला को आश्चर्य हुआ। उसने कोचवान से पूछा, ये बच्चे किसके हैं? कोचवान ने कहा, ये मेरे ही बच्चे हैं। आपने प्रसिद्ध अमुक बैंक का नाम सुना ही होगा। यह बैंक मेरा था। पिछले दिनों मुझे काफी घाव हो गया था, इस कारण बैंक बंद करना पड़ा। मैंने इस गांव में एक मकान किराए पर ले लिया है, जहां मेरी पत्नी, बच्चे एवं आया रहती है। मैं यह फीटन चलाकर अपने परिवार का पालन पोषण करता हूँ। मुझे लेनदारों से पैसा लेना है। जब वह रकम मुझे मिल जाएगी, तब मैं सबका कर्जा चुकाकर फिर से बैंक चालू कर दूंगा। कोचवान की बात सुनकर वह सन्यासी बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने अपने पुस्तक में लिखा है कि जिस वेदांत दर्शन की हम बात करते हैं, उस पर अमल मुझे उस बैंक मालिक आचरण में देखने को मिला। एक सच्चे कर्म योगी की तरह वह व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में भी नहीं डगमगाया। और निरभ्यता से अपना कर्म एवं दायित्व का निर्वाह करता रहा। वेदांत दर्शन की यथार्थ यही है कि परिणामों की चिंता किए बिना, प्रभावित हुए बगैर निरंतर अपने कर्तव्य करते रहे, अपना आत्मिक सुख ना गवाए और जीवन के हर उतार चढ़ाव को सहज रूप में ले, प्रतिकूल परिस्थितियों का निर्भयता से सामना करने का मार्ग ही आध्यात्मिक है। धन्यवाद। मैं हूँ ऋषभ जावदन की आवाज़।